तो कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी है विद्युत मंत्रालय। दोस्तों उसी के अंदर आपके लिए रिक्रूटमेंट आई है जो कि सिमिलर टू जेई रहने वाली है। दोस्तों यहाँ अगर रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है जिसमें फ्रेशर्स डायरेक्टली एलिजिबल है। ये बात सच है कि ऐसा मौका मत छोड़ना। दोस्तों ये सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी क्यों मैं एकदम से कंटिन्यू बैक टू बैक ला रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूँ कि जो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन कर दिया कीजिए, उससे क्या होता है, उससे इतना बेनिफिट होता है दोस्तों कि अब मेरे लिए नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लाना थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे अपडेट लाना बहुत ही इजी हो जाता है और मैं उसी बिहाफ पे कोई भी रिक्रूटमेंट कोई भी अपडेट आपके सामने जल्दी से जल्दी ला देता हूँ। प्लस आप अप्लाई भी कर देते हैं और इवन यहाँ से जो सिलेक्शन भी होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, उसी बिहाफ पे ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से निकली है, दोस्तों ये निकली है SGVN सतलुज जल विद्युत निगम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर है। दोस्तों इसके बारे में तो बात करेंगे ही, उससे पहले बात करते हैं आपके CV के बारे में। अब ये CV का क्या मतलब है दोस्तों, CV की फुल फॉर्म है करिकुलम विटाई। दोस्तों बायोडाटा इज इक्वल्स टू CV, बायोडाटा ही CV का पार्ट है। दोस्तों दोनों सेम ही चीज़ है। मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ कि कल मैंने बहुत सारे कमेंट देखे लास्ट वीडियो पे, उस पर लिखा था कि हमें इस ब्रांच से रिलेटेड CV चाहिए, इस ब्रांच से रिलेटेड CV चाहिए। दोस्तों मैंने पहले भी जैसे आपको बोला है कि मेरे पास अभी 1000 CV फॉर्मेट है, क्योंकि आप सभी की मेल आती है, लिंक आते हैं, या फिर आप मेल्स करते हैं, या फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट होते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बातें करते हैं, या लिंक्डइन पे, आप हर जगह और मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे तो सभी टेक्स्ट करते हैं, तो मेरे पास आ ही जाते हैं रिज्यूम। तो मैं क्या करता हूँ कि जो जो ढंग के रिज्यूम होते हैं वो रख लेता हूँ, लेकिन उनमें से भी मैं शॉर्टलिस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है जिस वजह से मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। बट मैं सिक्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपके सामने सबसे लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आऊँगा। रही बात अप्लाई लिंक की, तो उसी के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ है, इसमें एलिजिबल कौन कौन है। तो सबसे पहले चलते हैं हम SGVN की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको नज़र आ रहा होगा ए जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये मिनी रत्ना कंपनी है, एक PSU कंपनी है, और इसके साथ साथ SGVN का नाम बहुत ही सुना होगा। ये जो रिक्रूटमेंट आ रही है ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। ये 21/12, देखिए इसका ओपनिंग डेट क्या रहे, 21/12 इसकी स्टार्टिंग डेट थी, एंड डेट दोस्तों इसकी 17/1, मतलब अभी 3 दिन बैलेंस है, 3 डेज बैलेंस है, और ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है। अगर बात कर लेते हैं कि इसके यहीं इसका डाउनलोड एंड डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल लेट ये पूरा का पूरा बायोफिकेशन, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, सभी के बारे में पता लग जाएगा। तो जैसे ही हम इसका देख लेते हैं क्लोजिंग डेट, दोस्तों क्लोजिंग डेट इसकी रखी है 10/1, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो इसकी लास्ट डेट जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई आगे बढ़ चुकी है, 17/1 रहने वाली है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहा होगा, सिविल इंजीनियर फील्ड इंजीनियर 25 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 15 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 25 है, एनवायरमेंट के लिए 3 है, F&A अभी F&A क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 6 हैं, HR के लिए 6 हैं। दोस्तों हम बात करेंगे सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, एज वेल एज अगर एनवायरमेंट की बात भी कर लेते हैं तो इसमें एक्सपीरियंस ही है, बट हम जो फ्रेशर के लिए भाई ज़्यादा बात करेंगे। सिविल वालों के लिए जो वैकेंसी है इसमें भी फ्रेशर है, इसमें आपको फुल टाइम BE BTech चाहिए, ऐसे ही मैकेनिकल वालों के लिए BE BTech चाहिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका BE BTech चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल है। टोटल रिक्रूटमेंट नंबर्स की बात कर लेते हैं तो 80 नंबर्स हैं। टोटल अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ जो है रिम्यूनरेशन टोटल 60,000 इन हैंड मिलने वाला है, मिला के 80,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। डेजिग्नेशन जो आपकी रहेगी फील्ड इंजीनियर या फिर ऑफिशियर आपकी रहेगी। और ये जो है EPF एज पर द स्कीम एंड एंगेजमेंट, दोस्तों EPF का क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये एज पर कंपनी रूल्स के हिसाब से कटेगा, जो 80,000 आपकी बन रही है उसी के अंदर से कटेगा। अब ये क्या है कि किस किस को कितना दिया जाएगा, प्रोजेक्ट नेम, कैंडिडेट प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश एक्सपेक्ट ईटानगर एंड एरिया विद इन 100% फिट रेम्यूनेशन, दोस्तों आपको 100% आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ ईटानगर एंड एरिया ईटानगर प्रोजेक्ट इन चेनाब बेसिन 50% आपको दिया जाएगा। इसके बाद जांगी टोपन तपोवन HEP, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और इसके साथ साथ HEP का मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही होता है, और इसके साथ साथ 20% आपको फिक्स्ड रेम्यूनेशन दिया जाएगा। और अदर बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, एवरी ईयर आपको 5%, 4%, 3% का बेसिक पे आपके पास इंक्रीमेंट होगा। इसी के साथ साथ
साथ आपको 30 डेज का ईयर में लीव मिलेगी, इसके साथ साथ आपको सेकंड ईयर के बाद जो है यहाँ फुल जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके डॉक्यूमेंट्स भी, मतलब आपको फुल मेडिकल वगैरह होगा। इसके साथ साथ आपका जो है 10 लाख रुपीज़ का एक जो है आपका ट्रीटमेंट तक आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात कर लेते हैं कहाँ का कितनी पोस्ट रहने वाली है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में जो है टोटल मिला के 65 और 68 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। दोस्तों इसमें डिसेबिलिटीज़ वाले भी एलिजिबल हैं। और ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या कैसे कैसे होगा दोस्तों, तक सिलेक्शन प्रोसेस कंसीडर CBT, दोस्तों यहाँ CBT एग्ज़ाम होगा, इसके साथ साथ रिटन टेस्ट होगा, और ये जो है उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसके भी आप पे आपको दिया जाएगा। टोटल जो अगर आप देख लेते हैं कि इनकी कहाँ कहाँ होगा, ये होगा न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला में, मंडी में, बिलासपुर में, कुल्लू में, कांगड़ा में, सारीपुर में, सोलन में। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर चूज 2 टेस्ट सेंटर्स, कोई भी आप 2 सेंटर चुन सकते हैं, उसी में से आपका एक सेंटर आएगा। दोस्तों प्लेसमेंट आपकी कहाँ रहेगी, दोस्तों प्लेसमेंट आपकी ये जो इंडिया में एनीवेयर इन इंडिया, दोस्तों आपका पैन इंडिया में। अब ये पैन का क्या मतलब है जी, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, नेशन के अंदर आपकी कहीं भी रह सकती है। और इसमें जनरल कंडीशन दोस्तों 18 ईयर्स से प्लस होने चाहिए, जो कि आप सब होंगे ही, और तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो इसमें काम का हो। अगर टोटल हम देख लेते हैं इसमें क्या फीस रहने वाली है, क्या इसमें दोस्तों इन्होंने फीस बोला है कि आपको 600 रुपीज़ प्लस GST, मतलब जो भी टैक्स होगा वो आपको पे करना होगा, कुल मिला के 600। अब 600 प्लस GST, अगर 62,000 तो 720 रुपीज़ यहाँ आपके लमसम जाएंगे, मतलब 700 के आसपास फीस है। अब अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इन्होंने मेल आईडी दे दी है, मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी दे दूंगा। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है, क्लोजिंग डेट दोस्तों, क्लोजिंग डेट, बट ये जो है ये जो फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट, दोस्तों इन्होंने 10/1 जो है ये क्लोजिंग डेट दे रखी है, बट ये अभी बढ़ के 17 तक हो गई है, 17/1 तक, तो तब तक आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 दिन है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मैं आपको इसका अप्लाई लिंक भी दिखा देता हूँ, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा कि 17/1 ये जो है डेट बढ़ चुकी है, और जो है आपको नज़र आ रहा होगा एंड ये 17/1 इसकी डेट बढ़ चुकी है। यहीं से आप डायरेक्टली देखिए प्रोसीड टू रजिस्टर यहाँ से करके, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर किसी ने रजिस्टर कर लिया, और क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड टू रजिस्टर करके आगे बढ़ जाए। इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आप उसके लिंक कहाँ मिलेंगे दोस्तों, 2 से 3 जगह पे आपको लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट टेलीग्राम चैनल पे, दूसरा कमेंट सेक्शन में, और थर्ड जो है आपको विद्युत मंत्रालय या फिर SGVN अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।